आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। जमीन के बदले नौकरी मामले में पूछताछ जारी। तेजस्वी यादव और बड़ी बदन बहन सांसद मीसा भारती पहुंची ईडी ऑफिस। बाड़मेर रामनवमी को लेकर शांति समिति की बैठक, आयोजन समिति के सदस्यों के बीच विचार विमर्श। गया में सभी शिक्षकों ने प्रत्याशी को जीत दिलाने का किया वादा। प्रत्याशी देववंश सिंह ने प्रेस को किया संबोधित। मसौरी में शिक्षिका का विद्यालय में पढ़ाने का अनोखा अंदाज, विद्यालय से शिक्षिका का वीडियो हुआ वायरल। सुपौल में दो दिवसीय सत्संग का हुआ आयोजन, आरजेडी नेता यादव वंश यादव ने फीता काटकर किया उद्घाटन। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है बिहार की खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। लालू समेत कई करीबियों पर ईडी और सीबीआई का शिकंजा कसता ही जा रहा है। लगातार इस मामले की सुनवाई की जा रही है। सीबीआई दफ्तर जाने से पहले तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने हमेशा जांच एजेंसियों का सहयोग किया है, लेकिन देश की स्थिति ये है कि झुकना बहुत आसान है और लड़ना बहुत मुश्किल हो गया है। हमने लड़ने का फैसला किया है और हम जीतेंगे। आपको बता दें कि लालू के बड़े बेटे तेजस्वी यादव आज सीबीआई के मुख्यालय पहुंचे, जहां उनके साथ बड़ी बहन सांसद मीसा भारती भी मौजूद हैं। ईडी लगातार उनसे पूछताछ कर जानकारी जुटा रही है। आपको यह भी बता दें कि तेजस्वी यादव पर एफआईआर दर्ज नहीं है। सुपौल में दो दिवसीय संतमंत सत्संग का भव्य आयोजन किया गया। महोत्सव का आरजेडी नेता यादव वंश यादव ने फीता काट कर किया है। पंचायत के समाज सेवी व वर्तमान मुखिया भी मौजूद रहे। इसके साथ ही जिले भर के कई सत्संग प्रेमी, भक्तजन, प्रतिनिधि व नेता शामिल हुए। इस मौके पर दूर दूर से आए सत्संग प्रेमी ने संतों के प्रवचन को सुनने आए सत्संग प्रेमी सत्संग में शामिल हुए थे। आपको बता दें कि दो दिवसीय सत्संग का आयोजन किया गया था। खबर सुपौल से है, जहां पर यादव वंश ने यादव फीता काटकर इसका उद्घाटन किया। दूर देश दराज से आए, संविधान से चलता है, लेकिन मनुष्यों के जीवन में सिर्फ कानून से हमारा जीवन नहीं सुधर सकता। संगीत और सत्संग के माध्यम से अपने जीवन में शुद्धि लाते, अपने कर्तव्यों का बोध करते। हमारे महापुरुष पूर्वज जो हमारे लिए संघर्ष किए, वो आज दब रहा है। डॉक्टर साहब ने कहा कि आज जो भक्ति के नाम पे हमें ठगा गया, भक्ति के नाम पर जो दोगलागिरी दिखाया गया, वो सत्संग के माध्यम से अपने आत्मा की शांति। और मैंने भी कहा कि सत्संग आप सुनिए, जो प्रवचन उसको ग्रहण करें और उसमें जो सही बात हो उसको स्वीकार करें, उसको आत्मसात करें और उसमें जो कुछ गंदगी है उस गंदगी को बाहर निकाल। एलके निराला जी ने मंच से स्पष्ट रूप से कहा कि इसमें भी घुसपैठ हो रही है, हमको उस घुसपैठ से बचना है। जो धर्म ग्रंथ बनाए गए हैं, जो रचना हुई है पहले से, जो इतिहास लिखा गया है, ये 85% लोगों के विरुद्ध उसके शोषण के लिए, जो भक्ति आंदोलन की बात लोगों ने कहा है, वो भक्ति आंदोलन नहीं, वो मुक्ति आंदोलन था। संत कबीर रैदास। सहरसा में जिले के सौर बाजार प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित सभा भवन में बैठक आयोजित की गई। आज पंचायत के प्रतिनिधि और प्रखंड प्रशासन के बीच पंचायत में विकास कार्य हेतु अहम बैठक की गई। आपको बता दें कि प्रखंड प्रमुख नजमून निशा की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में प्रतिनिधि ने बताया कि सौर बाजार अंचल कार्यालय में अंचल कर्मी के मनमानी रवैया पर अंचलाधिकारी द्वारा किसी प्रकार की रोक नहीं लगाई जा रही है, जो पंचायत के जनता के लिए बहुत बड़ी समस्या है। कई प्रतिनिधि ने बताया कि विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग, बिजली विभाग सहित अन्य विभाग द्वारा आम लोगों की समस्या पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है।
कल में जो था गड़बड़ी था कि किसान को बहुत परेशान हो रहा है दाखिल खारिज कराने में, यही मुद्दा उठा था। लेकिन आश्वासन दिया है वीडियो मैडम कि सीओ आज अब्सेंट था कि हम आते हैं, कहते हैं इसमें सुधार लाया जाएगा। सुनने में आ रहा है कि अंचलाधिकारी सही है लेकिन उसके नाम पे कर्मी जो है उगाही करते हैं, कहाँ तक सही है ये बात? सही है कि आगामी जो वित्तीय वर्ष है उसमें जो योजनाएं लेनी है उन योजनाओं का चयन करना आज का उद्देश्य था। अच्छा, इसमें सभी पंचायत के प्रतिनिधि भाग ले रहे थे? हाँ, सभी पंचायत के प्रतिनिधि, अधिकारी लोग भी थे प्रखंड के? हाँ, सभी लोग थे। नवादा में रामनवमी शोभा यात्रा को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण में बैठक आयोजित की गई। इस दौरान समिति के एसडीपीओ उपेंद्र प्रसाद ने कहा कि शहर में 12 स्थानों से शोभा यात्रा निकाली जाएगी। उन्होंने कहा कि शोभा यात्रा में डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा, डीजे की जगह लाउड स्पीकर का प्रयोग करेंगे और जुलूस में सिर्फ धार्मिक गाना बजाएंगे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जुलूस में अशांति फैलाने वाले को किसी भी तरह बख्शा नहीं जाएगा। हम लोगों तरफ से निर्देश है जुलूस नियंत्रित रखें, जुलूस में डीजे का प्रयोग नहीं हो, लाउड स्पीकर का सिर्फ प्रयोग हो, मोटरसाइकिल जुलूस में नहीं रहेगा। जो गाना बजेगा लाउड स्पीकर पर वो शिष्ट गाना बजेगा, जो धार्मिक गाना बजेगा, किसी तरह का भड़काव गाना या भाषण सभी लोगों को बताया गया है कि अपने जुलूस को नियंत्रित करने के लिए कम से कम 50 स्वयंसेवी लोगों को रखें बल। नवादा में भाजपा जिलाध्यक्ष अनिल मेहता ने अपने आवास पर गृह मंत्री अमित शाह के आगमन को लेकर एक बैठक आयोजित की। जिलाध्यक्ष ने बताया कि हिसुआ विद्यालय में 2 अप्रैल को गृह मंत्री अमित शाह का आगमन होना है, जिसको लेकर पूरी पार्टी तथा कार्यकर्ता तैयारी में जुटे हुए हैं। जिलाध्यक्ष भी कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की। उन्होंने कहा कि उनकी जनसभा में लगभग 1 से 1.5 लाख की भीड़ होगी, इस तैयारी को लेकर हम लोग कार्यकर्ता के साथ बैठक कर रहे हैं। इंटर उच्च विद्यालय हिसुआ में हो रहा है और ये सौभाग्य की बात है कि मैं जिलाध्यक्ष निर्वाचित हुआ हूँ और मेरे कार्यकाल में आ रहे हैं। तो पूरी पार्टी नवादा की और सभी कार्यकर्ता सभी नेता इसमें दिन रात एक किए हुए हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि 1 लाख से 1.5 लाख के बीच उनकी जनसभा होगी उस फील्ड में। और इस तैयारी हेतु आज भी मैंने खबर मसौढ़ी से है, जहां एक तरफ शिक्षक बच्चों को पढ़ाने से भागते हैं, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसी तस्वीर सामने आ रही है जिसमें शिक्षक बच्चों को पढ़ाने के लिए नए नए तरीके अपना रहे हैं। एक वीडियो विद्यालय से सामने आ रहा है जिसमें शिक्षिका अपने विद्यालय में बच्चों को गाने पर भाव प्रस्तुत कर उसे पढ़ा रही है। ये वीडियो बिहार के दिवस के उपलक्ष्य में मनाया गया है। बोर्ड के पीछे बिहार दिवस भी लिखा हुआ है, जिसमें बिहार राज्य प्रार्थना गीत को प्रस्तुत करते हुए बच्चों को भाव प्रस्तुति भी सिखाया जा रहा है। खबर महुआ से है, जहां महुआ प्रखंड कार्यालय के गांधी मैदान परिसर में आयोजित 2 दिवसीय महुआ महोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत की गई। महुआ महोत्सव की शुरुआत होने के बाद कुछ पल के बाद ही दर्शकों ने अपनी नाराजगी दिखाना शुरू कर दिया। बताते चले कि कार्यक्रम का शुभारंभ करने यहां विशिष्ट अतिथि के तौर पर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का आगमन होना था, परंतु आयोजित महुआ महोत्सव कार्यक्रम में बिहार के डिप्टी सीएम का आगमन न होने की वजह से कई कार्यकर्ताओं में उदासी देखी गई। एक तरफ वीआईपी लोगों की कुर्सियां खाली दिखी तो वहीं दूसरी तरफ आम लोगों की बैठने तक की व्यवस्था भी नहीं थी। कार्यक्रम देखने आए नाराज दर्शकों ने जमकर कुर्सियां तोड़ी। हमारा और मुकेश रोशन जी दोनों रोशन ही है, ठीक ना? तो महुआ के विधायक माननीय मुकेश रोशन जी ने जिस मांग को रखा था 2 मार्च 2021 को, उस समय हम विपक्षी सत्ता में थे, माननीय विधायक जी विपक्ष में थे, लेकिन आज माननीय विधायक जी सत्ता में है और हम विपक्ष में है। लेकिन हमारी संस्कृति है हम पक्ष में रहे चाहे विपक्ष में रहे, लेकिन अपनी विरासत की जब लड़ाई की बारी होगी।
गया में शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी के समर्थित एमएलसी उम्मीदवार जीवन कुमार को लेकर क्षेत्र में कई तरह की चर्चा हो रही है। सहयोगी टीम ने गया जिले के विभिन्न कॉलेज एवं विद्यालय में जाकर दौरा किया है और हर समाज के शिक्षकों ने समर्थन देने का वादा किया है। साथ ही ये चर्चा भी है कि बिहार में बीजेपी की एक पहचान अगड़ी जाति के वोटरों के साथ जोड़ा जाता है और बीजेपी के वोटर भी अगड़ी जाति के लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद पिछले जाति से आने वाले जीवन कुमार को भाजपा ने अपना गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया है। मैं लिखकर हमको विजय बनाने का आप प्रयास आशीर्वाद दें। मेरा विजन है कि गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में घूमने के क्रम में जो शिक्षकों के बीच जो समस्या मैंने देखी है वो बहुत बहुत गहरी समस्या है, चाहे वो नियोजित शिक्षक की समस्या हो, गेस्ट टीचर की समस्या हो, वितरित कॉलेज के शिक्षक की समस्या हो, बहुत गरीब वितरित कॉलेजों की स्थिति तो बहुत ही खराब है। ऐसा लगता है जैसे वितरित कॉलेजों को वोट के मैनेजमेंट के हिसाब से केवल छोड़ दिया गया है कि एक समय आएगा तो वोट का मैनेजमेंट हम वहाँ कर लेंगे और अपना वोट वहाँ ले लेंगे, फिर उनको उसी हाल पर छोड़ देंगे। गेस्ट टीचर का हालत यह है कि 15,000 भी उनको पैसा नहीं बच पाता है सारा खर्चा काटने के बाद। कहने के लिए एक महीना में उनका 25,000 का फाउंडेशन है और उसके अलावा जितने भी खर्चे हैं वो खर्चे काटने के बाद मुझे लगता है बिहार के गया में माध्यमिक शिक्षक संघ के बैनर तले शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 2 से प्रत्याशी देववंश सिंह को जीत सुनिश्चित करने के लिए सभी शिक्षकों ने एक स्वर में जीत दिलाने का वादा किया। प्रेस को संबोधित करते हुए प्रत्याशी हादी हाशमी ने कहा कि एमएलसी चुनाव जब नजदीक आती है तो कभी भूमाफिया, बालू माफिया, पैसे के दम पर गुंडा छवि रखने वाले को पार्टी टिकट देती है, वे चुनाव मैदान में उतर जाते हैं। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से शिक्षक प्रत्याशी को ही उतारना चाहिए ताकि शिक्षक की दर्द समझ सके। माफिया कभी भी शिक्षक का दर्द नहीं समझ सकेंगे। अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत के शिक्षक नहीं है। मेरा तो मानना है कि सरकार ने अपनी नीति बनाई थी, निम्न वेतनमान तक इनकी बेहतरी करके आई है, लेकिन जो 17-18 वर्षों में शिक्षकों के को विद्यालय में नियुक्ति नहीं कर सकी। सहरसा में लगातार हो रही चोरी की घटना रुकने का नाम नहीं ले रही। इसी कड़ी में पुलिस ने थाने में आवेदन देकर चोरों को गिरफ्तार कर सामान बरामदगी की मांग की है। दिए गए आवेदन में उन्होंने कहा कि हम लोग सब परिवार अपने रिश्तेदार की शादी में गए हुए थे, घर पर कोई नहीं था, इस कारण चोरों ने फिल्मी अंदाज में चोरी की घटना को अंजाम दिया है। पुलिस के घर चोरी होने के 48 घंटे बीत जाने के बावजूद अब तक थाना पुलिस द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर कोई छानबीन नहीं की गई है। कहाँ गए थे आप लोग? हम लोग तो जॉब कर रहे हैं, हम लोग रहते हैं पटना में। अब बाल बच्चा गए थे घर 2 दिन के लिए, इसी बीच में हो गया काम। क्या कर लिया? मेरा सामान में गोदरेज तोड़ करके 80,000 रुपया था, परिवार के क्या कहते हैं लोकेट और का बराबर अलग सब कुछ हो रहा है। कंप्यूटर क्या मांग करते हैं आप? पुलिस से क्या मांग करते हैं, क्या चाहते हैं? चाहते हैं जो हमको पता लगाइए। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम टीवी। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबर की ओर। कहते हैं डॉक्टर भगवान होता है, अगर यही डॉक्टर जरा सी लापरवाही कर दे तो क्या कहेंगे। जी हाँ, हम आपको बता रहे हैं, बिहार के आरा में एक डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगा है। अस्पताल में महिला आंख का, आपको बता दें कि आंख का ऑपरेशन कराने गई थी, महिला ने सभी तरह की जाँच कराई और इसके बाद महिला के आंखों की रोशनी चली गई, जिसके बाद सीएससी में हंगामा मच गया। बाद में नवादा थाना समेत अन्य थानों की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को किसी तरह संभाला है। ये एक कॉम्प्लिकेशन है आंख का, कैटरेक्ट सर्जरी का, एक्सपल्सिव हेमरेज वही मरीज को हो गया, जो बहुत रेयर है लेकिन हो सकता है। सर, आरोप लग रहा है कि डॉक्टर की लापरवाही थी, वहाँ पे जो डॉक्टर करना था वो नहीं किया। हमारे यहाँ चार डॉक्टर करने वाले हैं, चारों से कोई करता है। तो आगे उन लोगों को क्या किया जा रहा है? आगे तो अभी उसमें ब्लीडिंग जो हो रहा था उसको रोक दिए हैं, पटना भेजे हैं, देखें क्या होता है। लेकिन सर एक और बात है, आपके यहाँ जो भी आते हैं आपके नाम पे आते हैं और इलाज आपके द्वारा नहीं करके किसी दूसरे डॉक्टर के द्वारा किया जाता है, इसमें कहीं ना कहीं पेशेंट को लॉस होता है और उनका विश्वास टूटता है। हमारे यहाँ टीम वर्क है, जब डॉक्टर क्रिया का अस्पताल नहीं है, चार आदमी का अस्पताल हो गया और सब लोग मेरे यहाँ बहुत फ्रेंड लोग हैं। बिहार के आरा में बेखौफ हुए हथियारबंद बदमाशों ने एक 8 वर्षीय बच्ची की गोली मारकर हत्या कर दी है। आपको बता दें कि देर रात हथियारबंद बदमाश ने घर में घुसकर फायरिंग की, जिसमें एक 8 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जिसके बाद पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। ये घटना पहले हुई जमीनी विवाद को लेकर की गई है। आपको बता दें लगभग 9 बजे करीब चार अपराधी आए और हमको सर्च कर रहे थे, बोल रहे थे कि कहाँ है कृष्णा सिंह। जब वो बोले कि पापा तो घर पर नहीं है, हम तो सासाराम निकले हुए थे, तो वो लोग सोचे कि घर ही पर अंदर में है और अंदर में धक्का दे करके घुसने का कोशिश किए, तो मेरी माँ रोकी उसी में एथी करने में, बोला कि बजरंगी सिंह और सोनू सिंह बोला है खेत नहीं जोतने के लिए, तो कहाँ खेत जोत रहे हो, ठीक है। इसी पर उसने अपना फायर हथियार लिया ही था, उसने फायर कर दिया। कौन लोग मारा है, क्या वो उनके शूटर हैं सर, अपराधी हैं उनके। पहले से कोई विवाद? हाँ, विवाद था। किस बात? जमीनी विवाद है सर। जी, दिनारा थाना से एक बच्ची आई थी आराध्या नाम की, वो लाते समय ही मृतक पाई गई, तो उसके बाद उनके परिजनों ने पोस्टमार्टम के लिए कहा तो तुरंत अभी जस्ट थोड़ी देर पहले पोस्टमार्टम किया गया उनका। कितनी गोली लगी सर? एक ही गोली। गया में अवैध वाहन में डोभी चेक पोस्ट पर चालान न कटवाने के नाम पर, आपको बता दें कि एक वाहन पर सीज किया गया है, पुलिस सहित एक चेक पोस्ट पर ऑपरेटर सहित 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मौके पर से चालान न कटवाने को लेकर नकदी बरामद की गई। इस कांड में और लोगों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। मुजफ्फरपुर जंक्शन पर उस समय हड़कंप मच गया जब मुजफ्फरपुर के प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर खड़ी गरीब रथ एक्सप्रेसवे की बोगी में अचानक आग लग गई। आग लगने से स्टेशन पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि रेलवे अधिकारियों की तत्परता से आग पर काबू पा लिया गया। इस सूचना को प्राप्त होते ही तुरंत वहां पर एसडीपीओ शेरघाटी, एएसपी शेरघाटी तथा एसएचओ भारत शक्ति को निर्देशित किया गया कि इसकी मामले की जांच करें तथा इसमें शामिल जो भी व्यक्ति शामिल हैं उन पर कार्रवाई करें। जांच के क्रम में एक व्यक्ति को वहां से पकड़ा गया जिसका नाम है राकेश कुमार। उक्त व्यक्ति एक प्राइवेट व्यक्ति है जो कि जिसके द्वारा बताया गया कि उसको गाड़ी साइड कराने का कार्य दिया गया है और उनसे वो चालान नहीं कटवाने के नाम पर पैसा वसूलता है और अगर कोई नहीं देता है तो उसके साथ मारपीट की। नालंदा में बीती रात अज्ञात चोरों ने युवक के घर में हाथ साफ कर दिया। इस संबंध में आपको बता दें कि लगातार इसको लेकर पहले 6 माह पहले उनका घर शराब मामले में सील हो गया था, इसी
को लेकर वह झोपड़ी बनाकर गांव में रह रही थी। बेटी की शादी के लिए 50,000 कर्ज लेकर घर में रखी थी और 1.5 लाख का जेवरात भी बनाकर रखा हुआ था। इसी बीच उनका घर शराब मामले में सील हो गया था। आपको बता दें कि ग्रामीणों के द्वारा उन्हें सूचना मिली कि घर का मेन दरवाजा टूटा हुआ है। जब मौके पर जाकर देखा तो कुछ भी नहीं था। वहीं इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई है। इसके बाद पुलिस जांच में जुट गई। आज 6 महीने बीत रहा है। 6 महीना में झोपड़ा झोपड़ी देख के उधर सर रहते हैं, ढंकुल उंकुल देख के घर घर किया, कैसे परिवार खा पी के माने की कमाते हैं। गरीब आदमी लेबर है सर, भट्टा पर कमाते थे। अच्छा, क्या क्या चोरी हुआ है? चोरी और किना सर, क्या नाम है आपका? संगीता देवी। हाँ, चोरी और किना मंगलसूत्र बनाने ले, टीका बनाने ले, बल्ला बनाने ले, पायल बनाने ले, 50,000 रुपया लोन ले ली। अच्छा, तो कितना दिन से रूम बंद था? 6 महीना। बाढ़ में राम नवमी को लेकर शांति समिति की बैठक की गई, आयोजित की गई है, जिसमें अधिकारी और आयोजन समिति के सदस्यों के बीच विचार विमर्श किया गया। इस दौरान शोभा यात्रा निकालने एवं विधि व्यवस्था बनाए रखने को लेकर चर्चा की गई। मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, थानाध्यक्ष, मुख्य पार्षद आदि मौजूद रहे। लोक चेतना दल के द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 7 दिनों से जारी आमरण अनशन पर आपको बता दें कि लगातार अनशनकारी की तबियत बिगड़ गई है, लेकिन जिला प्रशासन अब तक शुद्ध लेने को तैयार नहीं है। इधर दो दिन पहले स्वास्थ्य कर्मी भी अनशनकारी जांच कराने पहुंचे थे, लेकिन अब तक जिला प्रशासन नहीं पहुंचे। वहीं इस मामले को लेकर लोक चेतना दल ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप कर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। हम लोगों का मांग है कि गोबरसही पोखर और डुमरी पोखर के गरीब परिवारों का घर उजाड़ दिया गया, जबकि सरकार कह रही है कि भूमिहीन परिवारों को भूमि उपलब्ध कराते हुए उनको आवास दिया जाएगा, तब उनका घर उजाड़ा जाएगा। तो किस अधिकार और किस नियम के तहत मुसहरी सीओ के द्वारा जो है घर उजाड़ दिया गया और उन पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर आज 7 दिनों से लगातार महिला भूखी बैठी हुई है। उनका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा क्या है। हुआ, जिला प्रशासन सुध लिया है या नहीं? नहीं, अब तक कोई कार्रवाई संबंधित जानकारी नहीं दिया गया जिला प्रशासन की ओर। तो आगे क्या आगे का रणनीति है? हम लोग 24 घंटे का समय दिए हैं कि हम लोग के मांगों पर कार्रवाई करने संबंधित जानकारी दिया जाए, नहीं तो हम लोग कल आपके गेट के समक्ष सब परिवार वहां पे बैठेंगे। मसौड़ी में शहीद आजम भगत सिंह की जयंती मनाई गई। उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया गया। वामपंथी दलों के नेताओं ने शहादत को याद करते हुए कहा कि उन्होंने देश की आजादी के लिए अपनी कुर्बानी दे दी, लेकिन अंग्रेजों की अधीनता और फांसीवाद के आगे नतमस्तक नहीं हुए। वामपंथी दलों के नेताओं ने कहा कि एक दिन इस देश में लाल सूरज उगेगा और आने वाला समय वामपंथियों का होगा। साम्राज्यवाद के खिलाफ मोदी सरकार जिस तरीके से आत्मसमर्पण करने का काम कर रहा है और जिस तरीके से युद्ध थोपा जा रहा है, वहीं हमारे देश में फांसीवादी कारनामा थोप करके लोगों को धर्म जाति और ये भेदभाव करके लोगों को आपस में बांटने का काम किया जा रहा है। ऐसी फासिस्ट ताकतों के खिलाफ भगत सिंह ने कहा था कि गोरे तो चले गए, लेकिन ये जो बुरे लोग हैं जिनका शासन चल रहा है, जो आज निश्चित तौर पर बेरोजगारी का सवाल, महंगाई का सवाल, शिक्षा का सवाल और जिस तरीके से लोगों को, आम लोगों को वंचित करने का काम किया जा रहा है, तो आज भगत सिंह और अम्बेडकर के रास्ते ही इस देश को आगे बढ़ाया जा सकता है। गया में मानवाधिकार संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष मनीष पंकज बन गए। समर्थकों ने दी माला पहनाकर उन्हें बधाई दी है। बता दें कि बुद्ध और चाणक्य की धरती बिहार के स्थापना दिवस के अवसर पर मानवाधिकार संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष के पद पर मनीष पंकज के मनोनयन पर संगठन के अधिकारियों ने उन्हें बधाई दी है। अधिकारियों ने मनीष पंकज को बधाई देते हुए आशा व्यक्त की है। के तहत ये कार्ड हो गया, जो भी किसी व्यक्ति को किसी तरह की समस्या होगा या प्रावधावना होगा, मेरा संगठन उसको सबसे पहले बैठ रहूँगा, मेरा संगठन रहेगा, सब मिलजुल के उस समस्या का निदान करेंगे।
शहीद आजम भगत सिंह के सुखदेव राजगुरु की शहादत पर देशव्यापी छात्र युवा अधिकार मार्च निकाला गया। शहादत दिवस पर इंकलाबी नौजवान सभा और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन के साथ ही मार्च में शामिल हुए। इस मौके पर शहीद भगत सिंह प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई और वहां से टावर चौक तक छात्र युवा अधिकारी मार्च निकाला गया। इसके साथ ही 14 अप्रैल तक चलने वाले रोजगार बचाओ देश बचाओ अभियान की शुरुआत हुई है। शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की शहादत पर छात्र संगठन आईसा और नौजवान संगठन इंकलाबी नौजवान सभा की तरफ से पूरे देश में रोजगार अधिकार यात्रा निकाली जा रही है और हमारा एक अभियान भी है जो भगत सिंह शहादत दिवस से आज 23 मार्च शुरू होकर के और 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती पर समाप्त होगा और उस अभियान का नाम है रोजगार अधिकार अभियान। और आज हम देख रहे हैं कि जिन सपनों के लिए आज़ादी के इन दीवानों ने भगत सिंह राजगुरु सुखदेव सहित लाखों लोगों ने जो नौजवानों ने कुर्बानी दी थी आज उस सपने पर इस देश में इस सरकार के द्वारा केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा हमला किया जा रहा है। आज के लिए बिहार की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ।